Kunal, for giving me the opportunity to meet such a dynamic hero of our country. And all I can say is that you always need a good or a great guru to achieve anything in life, because that's what I've followed my dad, who's been the inspiration, my guru. And if I could achieve any kind of success, it's only because of my dad, my guru. And I think Kunal Thakur was not only a friend, a brother, but always, I feel, I've seen his game. He's a great teacher, he's a great guru. And for so many young talent, I think Kunal Thakur is going to do wonders for their careers. And I feel that today is the day when, again, I'd really like to say that I'm here because I had to be there for Kunal, and he is truly a very great teacher. So believe me and follow him. Thank you very much. Thank you, Himesh ji. So nice of him to say these words. A man who has made historical music from Main Jahan. Look here. Set this camera. Thank you. Thank you. This is stand there. देखिए, कुणाल ठाकुर मेरे फ्रेंड हैं, मेरे ब्रदर हैं, जिनके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ. और यही कहूँगा कि उनसे इंस्पायर हो के मैं टेनिस बहुत अच्छी तरह अब सीखना शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज़ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है. और फिटनेस में मेरा काफ़ी दिल लगा हुआ है, तो फिटनेस के लिए टेनिस एक ऐसी गेम है जिसका बहुत बड़ा, आई थिंक, फिटनेस के लिए योगदान है. और काफ़ी फिट रह सकता है आदमी. तो वो चीज़ मुझे अब अपने नेक्स्ट गोल में लेनी है कि भाई कुणाल से मैं टेनिस सीखूं, क्योंकि वैसे भी एक बहुत जल्द एक म्यूज़िक वीडियो ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट टेनिस कोर्ट है मेरा. तो वो करने के लिए डेफिनेटली मैं टेनिस सीखना चाहूँगा. और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं ऑलवेज समझता हूँ कि एक अच्छा गुरु बहुत सारे ग्रेट टैलेंट को आगे लेके जा सकता है. और रियलिटी शोज़ में और इंडस्ट्री में हमें बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं. मैंने कई लोगों को ब्रेक दिया है. मेरे पिताजी ने मुझे एज अ गुरु बहुत इंस्पायर किया, और बहुत मेरी सक्सेस में मेरे पिताजी का हाथ है एज अ गुरु, क्योंकि ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, और मुझे सिखाने वाले वो हैं. तो एक अच्छा गुरु बहुत कुछ यहाँ पर इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, नई टैलेंट को आगे लेके जा सकता है. और कुणाल बहुत अच्छा गुरु है, और मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही खूबसूरत अपनी जो एक उनकी ज़िम्मेदारी है एज अ कोच, वो इस सेलिब्रेशन क्लब में आगे जाकर बहुत अच्छी टैलेंट को बाहर निखारेंगे, और वो ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी तरह पूरी करेंगे. जी, मैं उसमें फ़ीचर करूँगा एज अ, बिकॉज वो पूरा कॉन्सेप्ट उसमें जो एक बीट है बॉल की, वो हमने वैसे पकड़ी है जिसपे विजुअली यू नो टेनिस कोर्ट की बीट एंड जो जो शॉट्स जा रहे हैं वो बहुत परफेक्ट मैच करते हैं. उसका कॉन्सेप्ट टेनिस कोर्ट पे है. इट्स अ रोमांटिक म्यूज़िक वीडियो,
It's a song, but it's supposed to be shot in a tennis court, and where I need to be a tennis player. But उस गेम को जब तक मैं परफेक्ट तरीके से स्टडी नहीं कर लूँ वो म्यूज़िक वीडियो शूट नहीं करूँगा और उसके लिए एक 5-6 महीना डेफिनेटली ट्रेनिंग होगी जैसे हम अपने रोल्स के लिए फिटनेस के लिए यू नो वर्कआउट करते हैं तो ये पर्टिकुलर म्यूज़िक वीडियो के लिए ज़रूर मैं कुणाल से सीखूँगा और फिर ही वो म्यूज़िक वीडियो शूट होगा जो आप लोगों के सामने होगा 6-7 महीने में सारी दुनिया आपके गानों की दीवानी है माने कि फिटनेस देखिए गानों की हाँ अभी देखिए इतने भी जितने भी गाने ब्लॉकबस्टर्स हुए या फिल्में हैं या रियलिटी शोज है देखिए सब में कहीं ना कहीं आज एक विजुअल मीडियम हो गया है जिसके लिए एक फिटनेस बहुत ज़रूरी है नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लुक्स बट इवन मेंटल फिटनेस आप बहुत फिट रहेंगे तो और अच्छा काम कर सकेंगे करेक्ट खाना खाएंगे तो फिटनेस बहुत बहुत ज़रूरी है एंड साथ साथ स्पोर्ट्स उसमें इतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है और पहले उन चीज़ों की इतनी नॉलेज लोगों को नहीं थी जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जा रही है ये एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत आज सबकी उम्र को सबकी हेल्थ की यू नो जो पूरी पावर है उसको बहुत बढ़ाती जा रही है एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड इट्स फैल रहा है फिटनेस का ज्ञान लोगों के यू नो इट्स ऑल ओवर एंड आई थिंक फिटनेस इज़ समथिंग विच एवरीवन शुड रियली फॉलो मेरी एक फिल्म है जिसका मेरी फिल्म है जिसका नाम है जीनियस एज अ कंपोज़र मेरी वो फिल्म आ रही है इस साल अनिल शर्मा जी के बेटे लॉन्च हो रहे हैं अनिल शर्मा जी डायरेक्टर हैं पिक्चर के दीपक मुकुट जी प्रोड्यूसर हैं उसके अलावा मेरी दो फिल्में एज़ एन एक्टर शुरू हो रही हैं अगस्त में क्योंकि अभी लास्ट 1.5 साल से तो मैं रियलिटी शोज़ में ही जो हमारा सारेगामा था वो एक्सटेंड होता गया सीज़न पे सीज़न और लाइव शोज़ कंटिन्यूसली चल रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिला बट अब नेक्स्ट 3-4 महीने में ये दो फिल्में फ्लोर पे जाएंगी एंड देन एज एन एक्टर देखिए रोमांटिक पिक्चरें हैं लेकिन क्या है वो अनाउंसमेंट बहुत जल्द आपके सामने होगा बट बहुत उसका म्यूज़िक तैयार हो रहा है और बहुत अच्छा म्यूज़िक है तो इट्स अ म्यूज़िकल इट्स अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म बहुत स्क्रिप्ट पे मेहनत हुई है और उसके लुक उसके कैरेक्टर उसकी जो सेंसिबिलिटीज़ है फिल्म की उसका प्रोजेक्ट क्या है उसका टाइटल क्या है ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने बहुत जल्द होंगी थैंक यू सर